सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते ते मामानि वरदान को पा करके इस तरह से हमारी कलिकाल कलियुग के लिए महाराज भक्ति सरल हुई है हम सभी आपके लिए। दूसरा प्रसंग आता है तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम का नगर है जिसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। परीक्षित महाराज धुंधली, धुंधली किसे कहते हैं? धुंध अली, धुंध मीस अपने आप में, अली मीस मदमस्त, अपने आप में मदमस्त, अपने रूप पर घमंड करने वाली, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली करकसा स्वभाव की थी वो धुंधली। फिर भी महाराज आत्मदेव जी भगवान को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने बहुत अच्छा किया, मुझे ऐसी मेरी घरवारी दे दी है। बोले काहे को? कि प्रभु तुमने अच्छा किया, मुझे ऐसी घरवाली दे दी है। अगर अच्छी दे दी होती ना तो सारी जिंदगी मेरी उम्र तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में निकल जाती। अच्छा है मैं चैन से तुम्हारा भजन कर रहा हूं, लेकिन भैया सब कुछ है घर में, चौथापन आने वाला है महाराज पर, लेकिन घर में कोई भी संतान? और कहा भी है ना चेंद्र से सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्तन सुखमस्ती वृत्तस्य मुनेरे कांत जीवन। इस संसार में भगवान ने सर्व सुख किसी को दिया ही नहीं है। किसी के धन दौलत है तो औलाद नहीं है, और अगर औलाद भी है तो धन दौलत नहीं है। कोई बेटा के लिए तरस रहा है, बेटा के लिए रो रहा है, तो कोई बेटा से दुखी होकर के रो रहा है। क्या लीला है प्रभु की। तो कहां भी है महाराज, कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है।
दुखी अपमान से कोई सम्मान से।